हेलो बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में हमने केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लिया था कि केमिस्ट्री क्या है ना, केमिस्ट्री का स्टडी ऑफ कंपोजिशन, की जो भी हमारे आसपास मटेरियल है, मैटर है, उसकी क्या किस किस चीज़ से बना है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है ना, कि किस किस चीज़ से बना है, उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर वगैरह है उसका, है ना, कि उसको एक चीज़ से दूसरी में कैसे कन्वर्ट करा जा सकता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन। हमने फिर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, तीन ब्रांच होती है केमिस्ट्री के, सब डिस्कस कर लिया था ना। हमने भी देख लिया था कि केमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने देखी थी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है बच्चों, आज हम अपना केमिस्ट्री का क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखो बच्चों, इस चैप्टर में ना 9th 10th में जो भी हमने पढ़ा है उसको एक रिवीजन है, क्विक रिवीजन, थोड़ा बहुत एडवांस है बट हाँ उसका ज़्यादातर रिवीजन ही है। जिसको आता है बहुत अच्छे, मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ही, जिसको आता है वो और अच्छे से सीख जाना, मतलब सीख ही जाओगे ऑफकोर्स, और जिनको वो सब 9th 10th की बातें क्लियर नहीं है, आई होप आपको क्लियर हो जाएंगी जब ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो ठीक है, इस चैप्टर में हम बेसिक बेसिक बातें करने वाले हैं कि इंट्रो, पहले तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन किस चैप्टर में है ना, कि लाइक इंट्रोडक्शन जो आज अभी हम कर रहे हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। फिर हम देखेंगे कि मैटर क्या होता है, मैटर है ना कि जो भी हमारे आसपास होता है उसकी क्वालिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, कि मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैसेज में डिवाइडेड वगैरह होता है, वो सब देखेंगे अच्छे से। फिर हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कि मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं और मैटर को किस तरह से मेज़र किया जाता है, कि लाइक जैसे तुम्हारा सॉलिड है कोई, तो उसको किस किस तरह से वे कर सकते हैं, कि किलोग्राम में, या फिर लिक्विड है उसको लीटर में मेज़र करेंगे, है ना, टेम्परेचर को केल्विन में मेज़र करेंगे, कुछ मेज़रमेंट वगैरह की बातें करेंगे, कि लाइक कि हम डिफरेंट चीज़ों को किस किस तरह से मेज़र कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हम बात करेंगे कि जैसे मान लो तुमने कुछ मेज़र करा, तुमने जैसे मान लो कोई वॉल्यूम मेज़र करा, वो था 10.001 लीटर। ठीक है, तो क्या वो इसके अंदर, इसको कैसे पता लगाएं कि ठीक है गलत है ना, कि लाइक क्या क्या इसके अंदर क्या एक्यूरेट है, एग्जैक्ट है या गलत है, मतलब इस सब चीज़ों के बारे में, कि वो जो हम मेज़रमेंट करें वो एकदम अच्छे से किस तरह से करें, है ना, कि कई बार तो मेज़रमेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उससे पूरी केमिकल रिएक्शन ही बदल जाती है। तो है ना कि मेज़रमेंट किस तरह से करें, है ना, कि गलतियों कैसे अवॉइड करें, वो सब हम देखेंगे, कि लाइक एक्सपेरिमेंट करते टाइम लैब में, है ना। और हाँ, फिर हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, कि मान लो जैसे 10.001 है, या फिर मान लो तुम्हें गिवन है 10.00256, हमें इसको कहाँ तक लिखना चाहिए, तो हम सिग्निफिकेंट फिगर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, की केमिकल किस किस तरह से कंबाइंड होते हैं, किस किस तरह से रिएक्शन करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, कि सबसे पहले एटम किस तरह से आया, तो शायद तुमने 9th में ही पढ़ा था बट इसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे, कि लाइक एटम किस तरह से क्या डिस्ट्रीब्यूटेड वगैरह होते हैं, कि डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी उसी को हम पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे एटॉमिक मास की, एक एटम का मास कितना होता है, जैसे कार्बन का 12 होता है। फिर हम मॉलिकुलर मास देखेंगे, कि मॉलिक्यूल में एक मास, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितना मास होगा। फिर हम मोल कॉन्सेप्ट देखेंगे, कि मोल क्या होता है, एक मोल के अंदर कितने एटम वगैरह होते हैं, ये सब बातें। मोल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल वगैरह भी आते हैं बच्चों। फिर हम देखेंगे परसेंटेज कॉम्बिनेशन, कि मान लो तुम्हें कोई चीज़ दे दी, कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, वाटर दे दिया, इसके अंदर पूछ लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड में बताओ कि कितना परसेंट कार्बन है। ऐसी ऐसी चीज़ें भी बच्चों हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। या तुम्हें बोल दिया कि पानी H2O, कि बताओ पानी के अंदर कि ऑक्सीजन का कितना परसेंट होगा, है ना, तो ये सब बातें हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि तुमने पढ़ा होगा 10th में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरह से किया जाता है ना। फिर उसकी देखेंगे स्टोशियोमेट्री वगैरह, कि स्टोशियोमेट्री तुम्हारे लिए एक नई टर्म होगी, कि मान लो कि कोई रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर लाइक कितना ग्राम प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, ये सब बातें भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। फिर हम लास्ट में देखेंगे मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, कुछ कंसंट्रेशन टर्म, ये भी तुम्हारे लिए थोड़ा नया होगा। तो बच्चों, ये था बेसिक आइडिया जो जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक बार अब आज हम मैटर से स्टार्ट करते हैं, कि मैटर की कुछ थोड़ी थोड़ी बातें देख लेते हैं, फिर कल से इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। और हाँ बच्चों, मेक श्योर कि तुम हर एक वीडियो को अच्छे से देखो और जो भी डाउट हो साथ साथ पूछ लो, क्योंकि अगर तुमने अभी डाउट नहीं पूछे तो फिर बाद में बढ़ते जाएंगे, फिर तुम शायद पूछ भी ना पाओ। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, मैटर तुमने हालांकि पढ़ा होगा, तो बच्चों देखो मैटर क्या होता है। मैटर कुछ भी जो हमारे आसपास तुम इस टाइम देख रहे हो, बुक्स, मोबाइल, टीवी वीवी, मतलब जो हवा हवा जो भी हमारे आसपास, हर एक चीज़ है, एवरीथिंग अराउंड इज मैटर, कि जो भी हमारे आसपास है सब एक मैटर है, जिसका कुछ भी कुछ ना कुछ मास हो, कुछ ना कुछ स्पेस हो। ऑक्सीजन भी एक मैटर है, तुम तो बोलोगे सर ना तो इसका मास है ना स्पेस ऑक्यूपाई करती है। बच्चों, ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और मास भी बहुत कम करती है, हालांकि करती है ना। तो ठीक है बच्चों, अब मैटर को ना दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है, दो तरह से बांटा जाता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। कि मान लो जैसे तुम्हारे आसपास कोई पानी की बोतल पड़ी है ना, कोई पानी की बोतल है जैसे मान लो पड़ी है, ठीक है, तो इसके अंदर फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब क्या है, एक मैटर है पानी की बोतल, यानी कि कुछ भी एक मैटर है,
कोई भी चीज़ हमारे आसपास वो मैटर है ना, जैसे एक पानी की बोतल पड़ी है तुम्हारे आसपास वो भी एक मैटर है। देखो इसका क्या अपीयरेंस होगा, किस तरह से दिखेगी, है ना, कि है ना, मतलब दिखने विखने का इसका नज़रिया, मतलब किस तरह से दिखेगी हमको, क्या इसका शेप वेप सी होगी, तो वो सब किस में आती है, फिज़िकल क्लासिफिकेशन में, कि कोई चीज़ किस तरह से क्या दिखती है, उसका वेट वेट क्या होगा, ये सब बातें यानी कि फिज़िकल क्लासिफिकेशन में जो चीज़ यानी कि हमें दिख सकती है, जो हम मेज़र कर सकते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर क्या होगी, कि ये किस चीज़ से बनी है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर एटम वेटम कौन से हैं ना, वो सब हम केमिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर में, फिजिकल क्लासिफिकेशन और मैटर को हम तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, कोई भी चीज़ या तो सॉलिड की तरह दिख सकती है, लिक्विड की तरह है, गैस की तरह है ना, और एक प्लाज्मा वगैरह भी होता है, बट अभी वो हमारे काम का नहीं है, है ना, केमिस्ट्री में हमारे तीन चीज़ें मेनली काम की है। तो मैटर को किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब फिजिकल क्लासीफिकेशन में कितने तरह के टाइप होते हैं, तीन, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड का एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई लकड़ी वगैरह है ना, जो कि ठोस, लिक्विड यानी कि पानी, कोई भी लिक्विड, पानी, दूध, दही, पानी, दूध, जूस, कुछ भी ले लो, गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी हमारे आसपास है ना, ठीक है, ये तो हो गया एग्जांपल। अभी ना हम एक एक चीज़ को नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन करके देखेंगे क्या होती है, अभी हम एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं बच्चा लोगों इसका, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में देखो कि केमिकल मैटर केमिकल क्लासिफिकेशन में किस किस तरह से बांटा जा सकता है, जो केमिकल क्लासिफिकेशन में भी मैटर दो तरीके से बांटा जा सकता है, एक प्योर सब्सटेंसेस, एक होते हैं मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस कौन से, कि मान लो कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो कोई आयरन है, तो प्योर होगा ना, इसके अंदर सिर्फ आयरन के एटम होंगे, मान लो कि आयरन की प्लेट है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आयरन के एटम एलिमेंट होंगे, आयरन के एटम वगैरह ही होंगे सिर्फ, है ना, तो ये कैसा हो गया, प्योर सब्सटेंस, है ना, ठीक है। और ठीक है, ऐसे हो गया प्योर सब्सटेंस, मान लो आयरन के अंदर तुमने कुछ और मिक्स करा हुआ है, आयरन और कॉपर को मिक्स वगैरह करा हुआ है, कोई एक तो प्लेट बना दी, तो ये कैसे होंगे, मिक्सर। क्योंकि केमिकली भी हम मैटर को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस या मिक्सचर से। प्योर सब्सटेंसेस तुम्हें पता है ना, घर में तुम जैसे तुम प्योर तुम बोल दो कि दूध वाले हो, कि भैया प्योर दूध दो, क्या मिलावटी दे रहे हो, तो प्योर मतलब जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ना हो, कोई अलग चीज़ ना हो, कि सिर्फ एक ही तरह के एटम या मॉलिक्यूल वगैरह हों, ठीक है। और मिक्सचर की मतलब किसी भी दो, जैसे किसी भी चीज़ को मिक्स कर दिया है ना, कि लाइक है ना, कि मिक्स करके कुछ बना दिया। और मिक्सचर भी दो तरीके के हो सकते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमो मतलब क्या होता है, सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट, कि यानी कि जिसके अंदर एक ही तरह का पूरा कॉम्पोजिशन हो, जैसे मान लो तुमने पानी को नमक के अंदर घोल दिया, अब पूरा ये एक ही जैसा होगा ना, चाहे ऊपर से देख लो या नीचे से, यानी कि होमोजीनियस मतलब हर जगह से सेम इसका नेचर। अब तुमने पानी को मिट्टी के अंदर मिला दिया, इसके अंदर दो कॉम्पोजिशन होंगे, दो फेज होंगे, एक तो मिट्टी सॉलिड में पड़ी रहेगी और साथ में ऊपर लिक्विड रहेगा, पानी रहेगा, तो यानी कि जो अच्छे से मिक्स नहीं होते, होमोजीनियस जो अच्छे से मिक्स हो जाए, हर तरफ से एक जैसे रहे, हेट्रोजीनियस जो हर तरफ से एक जैसे ना आए, इसको भी हम अच्छे से देखेंगे। तो मिक्सचर दो तरह के हो गए, ऐसे ही प्योर सब्सटेंस भी दो तरह के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। जैसे एलिमेंट मान लो कोई एलुमिनियम की कोई रॉड है, प्लेट है, इसके अंदर जो एटम होंगे सिर्फ वो किसके होंगे, एलुमिनियम के, है ना, तो एलिमेंट मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक ही तरह के एटम हो। तुम्हारी पीरियोडिक टेबल में जितने भी तुम वो पढ़ते हो ना, 118 वो एलिमेंट होते हैं, कि एलिमेंट यानी कि वो एक एक चीज़ जिसके अंदर हर सिर्फ एक ही तरह के एलिमेंट, मतलब वो सब एलिमेंट है जो तुम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो, यानी कि उसके अंदर जो भी तुम हर एक सिर्फ एक ही तरह के एटम होंगे सबके अंदर, ठीक है बच्चों। कंपाउंड जब भी दो तीन डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। जैसे मानो पानी ले लिया, इसके अंदर फिर जो पानी के मॉलिक्यूल होंगे H2O, तो हम H2O क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड। एलिमेंट जिसके अंदर एक ही तरह के एटम वगैरह हों, कंपाउंड जिसके अंदर डिफरेंट तरह के एटम हों, ठीक है बच्चों। इन सब चीज़ों को हम अभी डिफाइन भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से ही पढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक यू सो मच।